हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का लगभग ये लास्ट पोर्शन चल रहा है जिसमें हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं। हम बात करेंगे पहले ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। उससे भी पहले मैं बात करूंगी सबसे मेजर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करूंगी आज आप लोगों के साथ वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाम याद आ रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ कुछ नाम याद आ रहा है, मैंने पिछले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था सॉल्यूशन उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे सिस्टम होता है वो हमें देखना है। देखिए, आपको ये तो पता है ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। सॉल्यूशन में जब हम पढ़ रहे थे तो डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे, ठीक है। और बेसिकली हम बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए, दो तरीके के सॉल्यूशन है। सपोज करिए, पहला सॉल्यूशन है, मैंने दो कंटेनर लिए हैं, इसमें है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए, बना रही हूं मैं पार्टिकल्स बना रही हूं, ठीक है। अब आप देखिए, देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं सेम कंसंट्रेशन की, ऑन सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन की अगर बात करूं मैं, तो सेम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के उसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं बजाय कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के। ऑब्वियसली बात है, देखने से आप बता सकते हो कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन की पार्टिकल्स हैं वो साइज में बड़े हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल्स साइज में बड़े नहीं हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, बेसिकली क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में कि जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, और वो एग्रीगेट होके बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं। ऐसे में सेम कंसंट्रेशन पर भी कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी नंबर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होकर बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं, जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हुआ। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो पार्टिकल्स जैसे थे वो वैसे ही रहते हैं। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं कोलाइडल सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर करूं, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसकी जो कोलिगेटिव वैल्यूज हैं, कोलिगेटिव वैल्यूज जो कोलाइडल सॉल्यूशन की है वो हमेशा लोअर होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का नंबर है वो ज्यादा है। बात आई समझ में? सेकंड है
टिंडल इफेक्ट। देखिए अगर बात की जाए टिंडल इफेक्ट की, तो हमने देखा है कभी भी जब भी सूरज की रोशनी, एक बंद कमरा है सपोज करिए, बंद कमरा में बिल्कुल अंधेरा है, सूरज की रोशनी आती है हमें साफ दिखाई देती है, पूरे रूम पर वो एकदम इफेक्ट हो जाती है, एकदम रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें साफ दिखाई देती है, वो पार्क हमें दिखाई देता है। ऐसा क्या ये क्यों दिखाई दे रहा है? ये टिंडल इफेक्ट के कारण दिखाई देता है। मैं बात करूं यहां पर एग्जांपल लूं तो देखिए दो टाइप के सॉल्यूशन है, जैसे कि ठीक है, पहला सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है, ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन में पानी भी है और मिल्क भी है। बात समझ में आई? इसमें तो ओनली क्या है, वॉटर है, और इसमें क्या है, मिल्क प्लस वॉटर है। अब मिल्क डालते ही तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन, कौन सा बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। बात समझ में? अब क्या होता है जब भी ये वॉटर है, अगर मैं इसको साइड में लिखती हूं ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से दिखा पाऊं कैसा हो रहा है यहां पर, मैं इसको इधर लिख देती हूँ वॉटर है। अब अगर यहां से टॉर्च में मारूं, ठीक है, लाइट मारूं, तो क्या होगा कि जो रे है, जो लाइट की रे है, ये टॉर्च है, ठीक है, जो लाइट की रे है वो हमें इस सॉल्यूशन के अंदर, जो ट्रू सॉल्यूशन है ये वॉटर है, इसके अंदर से हमें जाती भी नहीं दिखाई देगी और बस इधर दिखाई देगी ही डायरेक्ट बाहर निकल के, कोई दिक्कत। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि हमें जब भी हम अगर टॉर्च मारते हैं ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो कि वॉटर है, ट्रू सॉल्यूशन है, उसके अंदर से लाइट की बीम अगर हम ऐसे पास करवाते हैं, दिखाते हैं, साइड में मैं लाइट दिखा दूं, तो हमें यहां पर जो है वो लाइट बिल्कुल उसका लाइट का पाथ हमें दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा लाइट का पाथ। लेकिन वही चीज अगर मैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, यहां पर मैंने सपोज करो कोई टॉर्च बनाई है ना, और कोई बीम जा रही है लाइट की सपोज करिए, तो हमें पूरा पाथ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? हमें पूरा पाथ दिखाई देगा, किसका, लाइट का। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें यहां तो लाइट का पाथ अंदर दिखाई दे नहीं रहा है लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में अंदर का पाथ दिखाई दे रहा है? ये जो पाथ हमें दिखाई दे रहा है इसे टिंडल इफेक्ट के कारण हम बोलते हैं। क्यों पाथ हमें दिखाई नहीं दे रहा ट्रू सॉल्यूशन में, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा पाथ, और क्यों हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है? तो देखिए इसका एक सीधा सा रीजन है, मैं इसको मिटाती हूं फिर आपको बताऊंगी। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन था, आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बड़े होते हैं, से बड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहां लाइट की बीम आएगी, टॉर्च से जैसे ही यहां लाइट की बीम आएगी, वो क्या करेगी, मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उनसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो चारों तरफ फैल जाएगी, ठीक है, और कुछ जो है आगे की तरफ भी जाएंगी। ऐसे करके हमें जो है इनके रिफ्लेक्ट होने के कारण, पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनसे टकराकर रिफ्लेक्ट होने के कारण बीम जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसके कारण हमें स्कैटरिंग के कारण, या मैं बोलू रिफ्लेक्शन के कारण, हमें जो है ये पूरी लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी और उसके बाद हमें पूरा पार्क दिखाई देने लग जाएगा। और ये किसका है, बात किसकी कर रहे हैं हम, कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बात आई समझ में कि क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें पार्क जो है दिखाई देते हैं, और इस पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है।
पाथ हमें कोलाइडर सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, बीम जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूरी स्कैटर्ड हो जाती है उस पूरे सॉल्यूशन में, और ऐसे करके हमें जो है सॉल्यूशन के अंदर से भी वो पाथ दिखाई देता है, लाइट गुजरती हुई दिखाई देती है कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर। तो उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट हर टाइम परफॉर्म नहीं होता, इसके लिए भी दो कारण होने चाहिए, दो कंडीशंस हैं टिंडल इफेक्ट की। चलो देखते हैं कौन सी कंडीशंस हैं। तो देखिए जो टिंडल इफेक्ट है उसके लिए दो कंडीशन रिक्वायरमेंट है। पहली है द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल का डायमीटर है इज नॉट मच स्मॉलर, वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं लाइट की उससे, जो टॉर्च की लाइट हो या किसी भी चीज की जो लाइट है जो हम यूज कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए किससे, डिस्पर्स पार्टिकल्स के डायमीटर से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेसेस है वो उनके मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए, डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। हम टिंडल इफेक्ट के यूज से जो है ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इनके बीच में, पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूसरा जो मैं बात करूं अगर वो ये है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है एक, क्या होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसके सेटअप में, एपरेटस के सेटअप करने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के टिंडल इफेक्ट जो है जिगमोंडी ने यूज किया था। ठीक है, जिगमोंडी यूजेस टिंडल इफेक्ट फॉर द सेटअप ऑफ एपरेटस ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, आई होप आपको टिंडल इफेक्ट के दोनों यूजेस समझ में आ गए हों। सबसे मेन यूज ये है कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में ये डिफरेंस बता देता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलर। जो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, इट्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। ठीक है, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स के थ्रू जो लाइट होती है उसको जो वो स्कैटर्ड करता है उसकी वेवलेंथ पर जो है डिपेंड करता है क्या, कलर। अब देखिए, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स पे अगर ये डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्टिकल की साइज पे भी डिपेंड करेगा और नेचर पे भी डिपेंड करेगा। यहां मैं लिख देती हूं साइज भी है और साथ में क्या है, नेचर भी है, साइज एंड नेचर। ठीक है, नेचर एंड साइज की देख लीजिए आप, नेचर पे भी डिपेंड करेगा पार्टिकल्स की और साइज पे भी डिपेंड करेगा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया है गोल्ड सोल का, जो गोल्ड सोल होता है। ठीक है, मैंने यहां पर चार कंटेनर लिया है, उसमें मैंने फाइनेस्ट जो है गोल्ड सोल डाल दिया है, एकदम छोटे छोटे फाइनेस्ट जो है गोल्ड सोल डाल दिया है। अब देखिए यहां पर चार कंटेनर है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। अब देखिए यहां पर जो पहला कंटेनर है वहां पर जो पार्टिकल की साइज है वो बहुत छोटी है, जो गोल्ड सोल के पार्टिकल्स है उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, तो कलर क्या आया, रेड। लेकिन सेकंड वाले में जो पर्पल जो कलर आया है वो पर्पल आया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले कंटेनर से थोड़ा साइज जो है कोलाइडर पार्टिकल्स का वो बड़ा है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज हुआ है। थर्ड वाले में थोड़ा और साइज इंक्रीज हुआ पार्टिकल का, तो कलर हो गया ब्लू, और फोर्थ वाले में और बड़ा हो गया साइज, तो फाइनली क्या कलर आ गया, गोल्डन, जो कि गोल्ड का कलर होता है। तो कहने का मतलब है जब जब साइज इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स की साइज इंक्रीज होती जाएगी, तो फाइनेस्ट जो कलर है, जो रियलिटी में जो कलर है वो आता जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से नेचर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स पे कलर जो है डिपेंड करता है। अब कलर जो है एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, देखिए सपोज करिएगा मैंने इस कंटेनर में
देखिए दूसरा जो कलर डिपेंड करता है किस कंडीशन पर डिपेंड करता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, कि आप जो किस साइड से देख रहे हो, मतलब किस तरफ से आप देख रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर। जैसे कि मैंने यहां पर मिक्सचर लिया है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कलर जो है, ये जिसका जो कलर है वो ब्लू दिखाई देगा आपको, अगर आप किस साइड से देखते हो, रिफ्लेक्टिंग लाइट की साइड से देखते हो। जब जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही है, सपोज करिए कैसे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, जब जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही है, या मैं बात करूं रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर आप उस साइड से देखते हो, रिफ्लेक्टिंग साइड से देखते हो, तब तो ये आपको दिखाई देगी कैसे ब्लू। और ये आपको रेड कब दिखाई देगी, जब आप कैसे देख रहे हो, इधर से ट्रांसमिटेड, जिस साइड से ट्रांसमिट हो रहा है ना, उस साइड से अगर आप देख रहे हो, मतलब कि अगर रिफ्लेक्टिंग लाइट के साइड से अगर आप व्यू कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा कलर ब्लू, और अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट के व्यू से देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा इसका कलर रेड। तो ये भी डिपेंड करता है कि भाई आप किस साइड से देख रहे हो, कौन से व्यू से आप उसको देख रहे हो, रिफ्लेक्टिंग लाइट या फिर ट्रांसमिटेड लाइट के व्यू से। तो आई होप आपको कलर का समझ में आया होगा। फोर्थ हम चलेंगे ब्राउन इन मूवमेंट, जो प्रॉपर्टी है फोर्थ कोलाइडल सॉल्यूशन की वो है ब्राउन इन मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज देखो, व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन वाज ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, जब कोलाइडल सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, द कोलाइडल पार्टिकल्स अंडरगो रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनका जो मोशन होगा, उनकी जो गति होगी, उनकी जो चलने का स्टाइल होगा, मूव करने का स्टाइल होगा, वो क्या होगा, मतलब हर डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं वो फॉलो कर रहे, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं ओवर अ लार्ज एरिया, बड़े एरिया में। ठीक है, तो ये जो मोशन है डिस्पर्स फेस पार्टिकल का, बेसिकली जो पार्टिकल्स कर रहे हैं डिस्पर्स फेस के, वही मोशन कर रहे हैं। तो जो मोशन है डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स का, उसको हम बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। आपने पहले भी इसे पढ़ चुके हो। अब मुझे बताइए ब्राउनियन मोशन के जिगजैग मोशन होता है, बेसिकली से हम जिगजैग भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ मोशन है ब्राउनियन मोशन, ये कैसे हो रहा है, ये जिगजैग पाथ कैसे फॉलो कर रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये कोलाइडल्स पार्टिकल है और कुछ जो है यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल होगा वो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स से जाके टकराएगा। ठीक है, टकराने पर क्या होगा, जो डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल है वो कोलाइडल पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे देगा, अपनी एनर्जी दे देगा। अब ये जो पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल, ये एनर्जी लेने के बाद में और फुर्ती के साथ और एनर्जी के साथ में मोशन करेगा और फिर किसी और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से जाकर टकराएगा। ठीक है, ऐसे करके जो ये पाथ फॉलो करते हैं, ये जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इनका जो पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिगजैग, या हम बोलते हैं इस मोशन को ब्राउनियन मोशन। बात आई समझ में, डिस्पर्जन मीडियम से जो पार्टिकल है उनसे टकराकर कोलाइडल पार्टिकल एनर्जी लेकर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो मोशन करने लग जाता है और फिर दूसरे पार्टिकल से जाकर टकराता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये होता है, ये जिगजैग पाथ फॉलो करता है। आपको काइनेटिक प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कोलाइडल सॉल्यूशन की। आज के लिए सिर्फ इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी और जो प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।